पेरेंट्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानपुर के नोबस्ता क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नगर में स्थित पारितोष इंटर कॉलेज में बच्चों और दादी बाबा नाना नानी के रिश्तों को और मजबूत बनाने, उनके बीच में मोबाइल फोन की वजह से होने वाले गैप को देखते हुए ग्रैंड्स पेरेंट डे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पारितोष इंटर कॉलेज में अध्ययन बच्चों के दादी बाबा को आमंत्रित किया गया, जिसमें लगभग 1000 की संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम करने का एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि बच्चों में जो संस्कारों की कमी होती जा रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए संयुक्त परिवार में विघटन को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया। साथ ही मीडिया कवरेज के दौरान पारितोष इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रचना अवस्थी ने बताया कि यह कार्यक्रम पहली बार किया गया और इस कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद इसे हर वर्ष करने का निर्णय भी लिया। साथ ही आज सभी अभिभावकों ने इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत व नृत्य भी प्रस्तुत किए गए और जीतने वाले बच्चों और अभिभावकों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में पारितोष इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व पूरा स्टाफ मौजूद रहा। कानपुर से सोबित पांडे की रिपोर्ट। मैम, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज पारितोष इंटर कॉलेज की सीनियर बिल्डिंग में ग्रैंड्स पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें आज सभी बच्चों के दादा दादी और नाना नानी जी को विद्यालय प्रांगण में आमंत्रित किया और साथ ही में एक गैप जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आज के युग में बच्चे मोबाइल से बहुत पास होते जा रहे हैं और अपने दादी दादा से बहुत डिसकनेक्ट होते जा रहे हैं। तो विद्यालय परिवार की एक छोटी सी कोशिश है ये कि बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट हों ताकि उनमें संस्कार डेवलप हो सके। लगभग कितने लोगों की उपस्थिति रही है आज के कार्यक्रम में? जो है हमारे दादा दादी और नाना नानी आज प्रांगण में उपस्थित रहे और जिन्होंने दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने को यहाँ पर उपस्थित रख कर विद्यालय परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। ये कार्यक्रम प्रथम बार किया गया है, इसका करने का उद्देश्य क्या था आपका? प्रथम बार इसलिए किया गया, अभी ये मदर्स डे, फादर्स डे, पेरेंट्स मीटिंग जैसे आयोजन तो लगभग भारत देश के सभी विद्यालयों में आयोजित होते हैं, लेकिन पहली बार पारितोष इंटर कॉलेज ने ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी दादा दादी नाना नानी को बुलाया। उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चे संयुक्त परिवारों का जो विघटन होता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं, और विद्यालय परिवार का इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि विद्यालय अपने संस्कारों को, बच्चे जो हैं अपने संस्कारों को डिवेलप कर सकें और उनको सजा कर संभाल कर रख सकें।